मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कुछ अरसा पहले का एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो साबिका वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ ज़माना तालिब इल्मी के दिनों का तज़किरा कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको इसी वीडियो में इमरान ख़ान का इंटरव्यू क्लिप सुनने को मिलेगा। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया पर इमरान ख़ान का अक्टूबर में दिए गए इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल है, जिसमें सहाफ़ी ने इमरान ख़ान से एक्सफोर्ड के खानों से मुतल्लिक सवाल किया। उसके जवाब में इमरान ख़ान ने कहा कि मुझे इतना याद है कि इंग्लैंड की सर्दियों में हर वक्त भूख लगती थी, हमें पाकिस्तान की आदत थी कि तीन मरतबा खाने की, यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना और फिर माँ के हाथ का दूध। लेकिन जब हम इंग्लैंड गए तो डाइनिंग रूम में खाना खाते ही जैसे ही नीचे उतरते तो हमें दोबारा भूख लग जाती और ये भूख हर वक्त लगती। इमरान ख़ान ने मज़ीद बताया कि बेनज़ीर उस वक्त दूसरे कॉलेज में थी और उनका इतवार को एक ओपन हाउस हुआ करता था क्योंकि वो यूनियन का इलेक्शन लड़ रही थी। उनका कहना था कि बेनज़ीर से मेरी अच्छी दोस्ती थी और भारत से मेरा एक दोस्त विक्रम मेहता भी मेरे साथ हुआ करता था। हम दोनों भूख की वजह से बेनज़ीर के कॉलेज जाया करते थे। इमरान ख़ान का कहना था कि बेनज़ीर बहुत शान और शौकत में रह रही थी और सैंडविच खुद कैटर करती थी स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, बेनज़ीर का ये होता था कि अच्छा, हमें, मुझे इतना याद है कि इंग्लैंड की सर्दियों में सारा वक्त भूख लगी होती थी, हमें यहाँ आदत पड़ी हुई थी, तीन दफा खाना, माम मेरे खाना नाश्ता करो, फिर आके लंच करो, फिर चाय अलहदा, फिर रात को खाना अलहदा, फिर माँ दूध पिलाती थी सोने से पहले, तो मुझे तो वो आदत पड़ी हुई थी। अब वहां गए हम, तो वहां मुझे याद है कि हमारा ऊपर होता था, जब मैं ऑक्सफर्ड में गया तो उधर वो डाइनिंग रूम होता था, यानी डाइनिंग रूम से खाना खाया, उतरा तो फिर भूख लग गई। तो मुझे इतना याद, सारा वक्त भूख लगी होती, सर्दी भी और वर्जिश भी, दो चीजें। खैर, सर्दी और उनके खाने ही बड़ा, हमें तो आदत पड़ी हुई थी यहाँ खाने की। तो फिर मुझे याद है, फिर बेनज़ीर वो दूसरे कॉलेज में होती थी, तो उसके संडे को ना उसके होती थी वो एक ओपन हाउस करती, क्योंकि वो यूनियन का इलेक्शन लड़ रही थी तो वो उनको बुलाती थी, तो वो फिर मुझे, खैर मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी और उसकी एक और मेरा दोस्त था इंडिया का, विक्रम मेहता, उन दोनों बड़े कम पाकिस्तानी इंडियंस होते थे, तो हम फिर दोनों, क्योंकि हम भूखे इतने होते थे, हम जाते थे वहाँ खाने के लिए। सैंडविच खुद बनाते थे? नहीं, वो पूरा केटर करती थी, बड़ी वो शान शौकत में रहती थी। अच्छा।